Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you dear students and how are your family members? Brothers, yesterday we were reading about the exercise, but today we will read the remaining exercise of this lesson, Women's Education. See from here, give the synonyms of the following words: requires, manners, anxious, purpose, scattered, rapidly, adopt, compassion, essential, mold. Fill in the blanks with the suitable words given below: several, essence, still, decline, famous. Number one, I read recently a book which speaks about the of womanhood. Second, there is a verse, what constitutes the of good life. These are accepted the world or as the subjects of education. When you talk about education, you have aims in view. Fill in the blanks in the following sentences, selecting the most suitable words from those given within the brackets. For some, we neglected our woman for years, weeks, centuries. I am anxious that our grade should be studied. Scholars, classics, writers, poets, you are living in an age when there are great for women in social work, problems, dangers, opportunities, profits. Society requires women of disciplined mind and manners. The natural quality of women is beauty, glamour, compassion, selfishness. If you don't have, you are not human. Power, compassion, health, money. For some centuries, we, our women folk, neglected, respected, insulted. अजीज तलबा, ये आज की एक्सरसाइज है जिसे पढ़ना है. आइए सबसे पहले सी को देखते हैं. गिव द सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. कह रहे हैं कि मुंदरजा ज़ैल जो अल्फाज दिए गए हैं उनके मुतरादिफात बताइए दीजिए. तो देखिए, यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया गया है, रिक्वायर्स. गिव द सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. मुंदरजा ज़ैल ने जो अल्फाज दिए गए हैं उनके मुतरादिफात बताने हैं. रिक्वायर्स, जरूरियात, नीड्स, मैनर, तौर तरीक, नेचर, एंशियस, फिक्रमंद, ईगर, पर्पस, मकसद, एम, स्कैटर्ड, चारों तरफ बिखरी हुई, स्प्रेड ऑल ओवर, रैपिडली, तेजी से, फास्ट, एडॉप्ट, गोद लेना, टेक अप, कंपैशन, दया, रहम, काइंडनेस, इसेंशियल, जरूरी, नेसेसिटी, मोल्ड, ढालना, चेंज. ये आपका गिव द सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैं. ये वर्ड्स हैं इनके सामने के जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये मुतरादिफात हैं, सिनोनियम हैं. अब इसके बाद में डी देखना है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो. कहने की फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरना है विद द सुटेबल वर्ड्स, मुनासिब अल्फाज से गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं. यानी नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उन्हीं में से छांट करके नीचे जो जुमले हैं उसमें खाली जगह है उसमें भरना है. नंबर एक देखिए, आई
read recently a book which speaks about, अब यहां पे क्या करेंगे बोलिए, about, बोलिए क्या करेंगे, I read recently a book, मैंने हाल ही में, I read recently a book, मैंने हाल ही में किताब पढ़ी, which speaks, जो कि बताती है about the decline of womanhood, यानी जो निस्वानियत के जवाल के सिलसिले में, तो यहां डिक्लाइन हो जाएगा। सेकंड में है डियर इज अ वर्स, यहां की खाली जगह है वर्स से पहले, बोलिए हाँ फेमस, डियर इज अ फेमस वर्स, यानी यहां एक मशहूर श्लोक है या नज़्म गीत है। व्हाट कंस्टिट्यूट्स द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, यानी अच्छी जिंदगी की खसूसियात, एसेंशियल खास बात को क्या चीज बनाती है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स क्या चीज बनाती है द एसेंस, एसेंस ऑफ गुड लाइफ, यानी अच्छी जिंदगी की खास बात को क्या चीज बनाती है, एसेंस यहां भरेंगे। इसके बाद में चौथा है दीज आर एक्सेप्टेड द वर्ड और एज द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, यहां हाँ यहां स्टिल हो जाएगा, यानी दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड, ये सारी चीजें आज भी काबिले कबूल हैं पूरी दुनिया में एज द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, तालीम के जरिए के तौर पे या सब्जेक्ट सामान के तौर पे ये चीज आज भी काबिले कबूल है। When you talk about education, जब आप तालीम के सिलसिले में बात करते हैं, you have, अब यहां क्या भरेंगे, हाँ several, you have several aims in view, तो जहन में बहुत सारे मकासिद होते हैं। When you talk about education, जब आप तालीम के सिलसिले में बात करते हैं, you have several aims in view, तो जहन में बहुत सारे मकासिद होते हैं। Fill in the blanks in the following sentences, selecting the most suitable words from those given within the brackets. यहां कह रहे हैं कि खाली जगहों को मुंदरजा दें, जो जुमले आ रहे हैं उनके खाली जगहों को भरना है, कैसे, selecting the most suitable words, बहुत ही मुनासिब अल्फाज को चुन करके, कहा from those given within the brackets, जो ब्रैकेट्स में दिए गए अल्फाज उनमें से मुनासिब चुन करके खाली जगहों को भरना है। नंबर एक देखिए, फॉर सम वी नेग्लेक्टेड अवर वुमन फोक, हाँ सेंचुरीज यहां हो जाएगा, यहां इयर्स वीक्स और सेंचुरीज दिए हैं, यहां सेंचुरीज हो जाएगा। फॉर सम सेंचुरीज वी नेग्लेक्टेड अवर वुमन फोक, हम कुछ सदियों से अपनी खवातीन कबीले को नजरअंदाज कर दिया है, हमने कुछ सदियों से अपनी खवातीन कबीले को नजरअंदाज कर दिया है या नजरअंदाज कर दिया, कुछ सदियों से हमने खवातीन को नजरअंदाज कर दिया। आई एम एंशियस दैट अवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड, यहां पे क्लासिक्स होगा, क्या भरेंगे क्लासिक्स, यानी आई एम एंशियस, मैं फिक्रमंद हूं दैट अवर ग्रेट क्लासिक्स, ये हमारी अजीम बुक को शुड बी स्टडीड, पढ़ी जाना चाहिए, यानी उसको पढ़ाया जाना चाहिए, जो अजीम किताबें हैं उसको पढ़ाया जाना चाहिए, मुकद्दस जो धार्मिक किताबें हैं। यू आर लिविंग इन एन एज, आप एक ऐसे दौर में रह रहे हैं, वेन देयर आर ग्रेट ग्रेट फॉर वुमन इन सोशल, क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम्स है, डेंजर्स है, अपॉर्चुनिटीज है, प्रॉफिट्स है, हाँ तो यहां अपॉर्चुनिटीज, यू आर लिविंग इन एन एज, आप ऐसे दौर में रह रहे हैं, वेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, यहां बहुत सारे मौके हैं औरतों के लिए इन सोशल वर्क, सामाजिक काम में, सोसाइटी रिक्वायर्स, समाज मुतालबा करता है वुमन ऑफ
डिसिप्लिन्ड माइंड यानी तहजीब याफ्ता जहन की खवातीन को। एंड अब यहां मैनर्स से पहले क्या करेंगे, रेस्ट्रेंड और महजब औरतों को, तहजीब याफ्ता जहन और महजब औरतों को, औरतों का मुतालबा समाज करता है। इसके बाद में द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमन इज, यहां ब्यूटी, ग्लैमर, कंपैशन, सेल्फिशनेस। हाँ, तो यहां कंपैशन यानी औरतों की हकीकी क्वालिटी वो दया है, रहम है। इफ यू डोंट हैव, यू आर नॉट ह्यूमन। अब यहां क्या भरेंगे, यदि पावर है, कंपैशन है, हेल्थ है, मनी है। हाँ, कंपैशन, इफ यू डोंट हैव कंपैशन, अगर आपके पास दया नहीं, यू आर नॉट ह्यूमन, आप इंसान नहीं। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ सदियों से, वी अवर वुमन फॉक, हाँ, नेग्लेक्टेड यहां रहेगा। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ सदियों से, वी नेग्लेक्टेड अवर वुमन फॉक, हमने खवातीन कबीले को नजरअंदाज कर दिया। अजीज तलबा, ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। ये सबक आपका जो था विमेन्स एजुकेशन, ये सबक मुकम्मल हुआ, एक्सरसाइज भी मुकम्मल हुई। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।